गुमला पुलिस कप्तान हरविंदर सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि काफी दिनों से गुमला पुलिस को लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि कुछ युवक गढ़वा लातेहार जिले से ब्राउन शुगर खरीदकर गुमला जिले में बेच रहे हैं, जिस कारण काफी संख्या में कम उम्र के नाबालिग बच्चे उक्त नशे के आदि हो रहे हैं और समाज पर इसका प्रतिकूल असर भी पड़ रहा है। इसी क्रम में एक गुप्त सूचना के आधार पर गुमला पुलिस ने नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ तीन युवकों को पकड़ा है। उक्त तीनों युवक गुमला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके पास से 35 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पिछले कई दिनों से इस प्रकार की गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जो है, कुछ युवक गढ़वा लातेहार से ब्राउन शुगर एवं अन्य नशीली पदार्थ जो है खरीदकर और यहाँ गुमला में लाकर जो है उसकी बिक्री कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है कई युवक जो है नशे के आदि हो गए हैं और उससे ग्रस्त हैं नशे की आदत से। तो इसी प्रकार की एक सूचना कल रात 11 बजे के आसपास हमें प्राप्त हुई, जिसके आलोक में हमने SDPO गुमला मनीष लाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, और उसी टीम ने एक इसी सूचना के सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई करने के लिए एंटी क्राइम चेकिंग जो है लगाई घाघरा में। वहीं पे इन्होंने देखा कि एक बिशनपुर की तरफ से एक बाइक जो कि TVS बाइक पर तीन जो युवक थे वो आ रहे थे, जिनको इन्होंने रोककर जब उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम, सबसे पहले व्यक्ति ने अपना नाम सोनू सिंह उर्फ जयदेव सिंह बताया, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम विशाल कुमार सिन्हा बताया, तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम अंकित कुमार बताया। तीनों व्यक्ति से जब थोड़ा पूछा गया एवं उनकी तलाशी ली गई, तो उसी क्रम में जो है एक जो पहले व्यक्ति थे सोनू सिंह, उनकी जीन्स की पॉकेट से तीन प्लास्टिक की पुड़िया जिसमें ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ जो है पाया गया, जिसको जब वहाँ साथ ले जाई गई वेइंग मशीन में जब वज़न किया गया तो उस पाया गया कि लगभग 15 ग्राम ब्राउन शुगर उसमें मौजूद था। इसी प्रकार जो दूसरे व्यक्ति थे आपके विशाल कुमार सिन्हा, उनकी भी सर्च में जो है उनके पॉकेट से दो प्लास्टिक की पुड़िया में ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ जिसका वज़न लगभग 10 ग्राम था, तो कुल मिला के हुआ 25 ग्राम। एवं जो तीसरा व्यक्ति था अंकित कुमार, उनकी पॉकेट से भी दो प्लास्टिक की पुड़िया में लगभग 10 ग्राम, टोटल 35 ग्राम जो है इसमें सीज किया गया है, इसको विधिवत सीज किया गया है। एवं इनकी एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है, एवं अन्य जो बॉडी पर मोबाइल वगैरह उपस्थित थे उनको जब्त किया गया है, और इन तीनों ही व्यक्तियों को जो है NDPS की धारा के अंतर्गत गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में अग्रसारित किया जा रहा है। छापामारी दल के मेंबर्स का मैं एक बार नाम लेना चाहूँगा, इट वाज लेड बाय SDPO गुमला मनीष चंद्रलाल, उसमें थाना प्रभारी घाघरा अमित कुमार चौधरी भी शामिल थे, उसमें सब इंस्पेक्टर टेकलाल महतो, सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार, हवलदार विजयकांत पांडे और दो आरक्षी शिवनाथ कुजूर और बसंत महतो, ये सभी छापामारी दल में शामिल थे। काफ़ी सराहनीय काम हुआ है और इसके लिए मैं अपनी तरफ से इनको प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत भी करने की मैं यहीं पे घोषणा करता हूँ। इस तरह की कार्रवाई होपफुली आगे और होती रहेगी। सर इसमें जैसे ही आएगा वो कोर्ट को रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।